साल 2020 केजीएफ चैप्टर 2 के बाद रॉकिंग स्टार यश ने अब तक की कोई भी फिल्म साइन नहीं की है। यश के फैंस को बहुत ही बेसब्री से इंतजार है यश 19 के अनाउंसमेंट की। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यश ने अपने फैंस के लिए बहुत ही अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि लोग फिल्म देखने के लिए अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे को खर्च करके आते हैं और मुझे उन पैसों की कीमत बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए मैं और मेरी टीम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। हम लोग एक भी सेकंड बर्बाद नहीं कर रहे और हम जो इस मेहनत से तैयार कर रहे हैं वो बहुत ही जल्द सभी लोगों को खुश कर देगा। ये सब बहुत ही जल्द होने वाला, मतलब कि S19 की अनाउंसमेंट बहुत ही जल्दी होने वाली है। वहीं अगर हम आंकड़ों की माने तो नितेश तिवारी की फिल्म रामायण में यश को रावण का रोल करने के लिए कहा गया था। इस फिल्म में राम और सीता का रोल रणबीर कपूर और उनकी पत्नी आलिया भट्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि यश ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। यश का कहना है कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही मीट मांस खाते हैं, जो हमारे धर्म में गलत है, और वही दोनों इस फिल्म में राम और सीता का रोल करने वाले हैं। इसीलिए यश ने नितेश तिवारी की फिल्म में रावण का रोल करने से साफ मना कर दिया है। लेकिन बाद में यश ने बताया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। नितेश तिवारी से उनकी बातचीत चल रही कि वो इस फिल्म में काम करेंगे कि नहीं, और बातचीत बहुत लंबे से चलती भी आ रही, लेकिन यश ने अभी तक उन्हें कोई कंफर्म जवाब ही नहीं दिया है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्या यश भैया अपने धर्म के लिए ऐसा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। बस कुछ ही दिन और बचे यश 19 की अनाउंसमेंट की, जैसे उसकी अनाउंसमेंट होती है आपको हमारे चैनल पर वीडियो सबसे पहले मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं सलार मूवी को। भाई ये मूवी इन दिनों बहुत ही ज्यादा चर्चे में है। इस मूवी में रॉकिंग स्टार यश का कैमियो देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा। इस फिल्म का बजट है पूरे 200 करोड़ रुपए। इसके डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, जो कि केजीएफ और केजीएफ चैप्टर के डायरेक्टर हैं। तो भाई उनका तमाशा तो आप लोगों ने देख ही लिया है केजीएफ और केजीएफ चैप्टर 2 में। इस फिल्म की रिलीजिंग डेट 28 सितंबर 2023 बताई जा रही है, और वहीं अगर आंकड़ों की माने तो 7 जुलाई वो दिन होगा जिस दिन हमें सलार फिल्म का टीजर भी देखने को मिल जाएगा। आंखें तरस गई हैं, सलार की कोई अपडेट देखने को नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि सलार फिल्म एक दिन में यानी कि फर्स्ट डे में करीबन 200 से 300 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लेगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। वहीं अगर रॉकिंग स्टार यश का कैमियो हमें इसमें दिखाया जाता है तो इस मूवी की कमाई 300 से 400 करोड़ रुपए हो जाएगी। मतलब ये तो बहुत अच्छा हुआ कि रॉकी भैया दिखाओ और रुपया ले जाओ। मतलब यश भैया इतने बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं कि उनका एक कैमियो दिखाओ और 200-300 करोड़ फ्री में ले जाओ। तो हो सकता है कि सलार में रॉकी स्टार यश का कैमियो देखने को मिले। लेकिन भाई अभी तक इस मूवी के डायरेक्टर यानी कि प्रशांत नील ने ऐसी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की जिसमें ये बताया गया हो कि हमें सलार मूवी में रॉकिंग स्टार यश भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी तक सलार फिल्म की शूटिंग चल ही रही है, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि रॉकिंग स्टार यश का कैमियो इसमें नहीं देखने को मिलेगा। हो सकता है भाई कहीं ना कहीं पर उनका कैमियो दिखा दें, क्योंकि प्रशांत नील जी बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं। वो अपनी कोई भी जानकारी लीक नहीं करना चाहते, वो लास्ट में ही बताएंगे कि इसमें हमें रॉकिंग स्टार यश का कैमियो भी देखने को मिलेगा, जिससे कि भाई केजीएफ के फैंस बहुत ही ज़्यादा तिलमिला उठेंगे और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सलार की कमाई भी हो जाएगी। मतलब सडनली अनाउंसमेंट होगी तब।